हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी सैनी और आप देख रहे हैं एसपी मैथ्स चैनल। आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। आज हम करा रहे हैं ग्रुप के टू मैथ्स आंसर की एंड सॉल्यूशन यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 26 मई 2019। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये कंडक्ट हो चुका है 26 मई को। इसी का हम सॉल्यूशन, जो मैथ का पोर्शन है उसका सॉल्यूशन और उसकी आंसर की यहाँ पर आपको दे रहे हैं। तो आप अपने क्वेश्चन पेपर में ये आंसर यहाँ से मिला सकते हैं। यहाँ जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ 100% सटीक है, इन पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मैथ का ये आया था, यदि टेन एक्स प्लस सेक एक्स इक्वल टू रूट थ्री है जबकि एक्स जो है वो 0 से π के बीच में है, तो एक्स का मान होगा। तो यहाँ जो इसका जो राइट आंसर था वो ये था। ठीक है, इसके सॉल्यूशंस को भी जल्दी देखिए, देख लेते हैं हम। बी इसका राइट आंसर था और इसका जो सॉल्यूशन है वो भी हम देख लेते हैं। सॉल्यूशन देखिए ये है, यहाँ पे करना कैसे है इस क्वेश्चन को, यहाँ पूरा देख लीजिए। यहाँ पे पहले साइन टेन को साइन अपॉन कोस लिखना और सेक एक्स को 1 अपॉन कोस एक्स एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद देखिए यहाँ पे एलसीएम लिया, यहाँ से तिरछी मल्टीप्लाई की और उसके बाद हमने क्या करा, ये यहाँ पे इसके फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद जो आए इसके वैल्यू आई, एक तो ये वाली आई -1, -1 180 से ऊपर होगी तो ये वाली तो छोड़ देंगे, और ये वाली आई 1/2 होती है साइन थी इसकी वैल्यू, 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन थीटा की। तो जिसका जो राइट आंसर हो गया वो क्या हो गया, राइट आंसर π/6 राइट आंसर इसका हो गया। ठीक है, तो एक बार और आप इसके सॉल्यूशंस को देख लीजिए, मैं इसको वीडियो को पॉज करके आप इसके सॉल्यूशंस को अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर कितना हुआ, π/6। ठीक है, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका ये भी है कि इस आइडेंटिटी में आप ये एंगल रख के देख लीजिए, जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सेटिस्फाई करेगा वो जो करेगा सेटिस्फाई, यहाँ पर केवल यही वाला इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब राइट आंसर ये हो गया। तो चूंकि यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जल्दी करना है, तो हम इसे इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट करके देख लेंगे, अगर ये सेटिस्फाई कर रही है तो यही इसका आंसर हो जाएगा, बाकी और इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, दो बिंदु इतनी दे रखे, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतने किस अनुपात में बांटेगा। तो ये अंतर विभाजन के निर्देशांक निकाल लें, इसका जो राइट आंसर है वो बी है, और इसका सॉल्यूशंस को भी चलिए हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अंतर विभाजन के लिए ये बिंदु हमें दे रखे, -6,0 दूसरा 3,8, ये x1y1 मान लिया, इसको x2y2 मान लिया, और ये जो बिंदु है जो इसको अंतर विभाजित कर रहा है उसे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई मान लिया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है अंतर विभाजन का, यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, आंसर ये आ गया। आप एक्स से भी निकाल सकते हैं और वाई से भी निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों से आंसर एक ही आ रहा है, 2:7। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये रेड रंग का बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में ये बेल का आइकन भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको समय से मिल जाए। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए करते हैं आगे वीडियो को स्टार्ट। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, तीन पासों को एक उछाल में कुल योग 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो सी इसका राइट आंसर है। अब देखिए इसमें कैसे है ये भी हम आपको बता देते हैं। तीन पासे, एक पासे में जो है 1, 2, 3, 4 6 अंक होते हैं। अब तीन पासों में जो कुल प्रकार हो जाएंगे वो 6×6 यानी कि 216। देखिए यहाँ मैंने इसका सॉल्यूशन किया, तो पहले तो निकालते हैं हम NS यानी 6×6×16 नदी हो गया 216। अब क्या आना चाहिए, अंकों का योग 5। तो अंकों का योग जो 5 है वो इतने प्रकार से आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस बनना है, यानी एनी बराबर हो गया 6। ये फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, एनी इज इक्वल टू एनी अपॉन एन एस, 6/216 यानी 1/36 यानी सी इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखिए मैथमेटिक्स का ये था, एक घड़ी की मिनट की वाली सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यदि मिनट वाली सुई के द्वारा 5 मिनट में कवर किए गए क्षेत्र का क्षेत्रफल याद कीजिए। अब देखिए आपको बता दें, जो 60 मिनट में जो कोण बनता है वो 360 बनता है घड़ी में। ठीक है, तो 5 मिनट में पहले हमें कितना कोण बनेगा ये निकालेंगे, तो 5 मिनट में कोण निकालेंगे, पहले 1 मिनट में हो जाएगा 360/60 और 5 मिनट में ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए 5 से गुणा कर लेंगे, तो इसे हम पूरे को सॉल्व कर लेंगे। 6×36 और 360 6×36 30 अंश का एंगल आ जाएगा, तो इसे भाग देंगे 360 6×36 और ये कितने में एंगल निकालना था हमें, 5 मिनट में, तो 5×30 अंश का इसका एंगल आ जाएगा। तो इसे सॉल्यूशंस को भी दिखा देते हैं हम, यहाँ पर देखिए, तो 60 मिनट में कितना कोण बनता है मिनट की सुई द्वारा,
पूरा 360 यानी पूरा एक राउंड लगा देती है, तो 1 मिनट में लगाएगी कम, 5 मिनट में लगाएगी ज़्यादा, यानी कि 30 अंश का कोण बनाएगी। ये फॉर्मूला होता है त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको अप्लाई करना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। जैसे ही हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे सोल्व होकर, जो आंसर आएगा वो आएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि राइट आंसर इसका जो हो गया वो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके पूरे को सॉल्यूशंस को आप एक बार वो देख लीजिए अच्छे से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक बार देख लेंगे। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 450 मीटर है, इसकी भुजाओं का जो अनुपात है वो 13, 12 और 5 है। त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमारा काम ये होगा कि इसकी भुजाएं पता लगानी, ठीक है। और त्रिभुजाएं पता, इसका जो राइट आंसर आएगा वो बी आएगा। ये इस बच्चे का जिससे मैंने एक पेपर लिया है गलत हो गया, ये इसका जो राइट आंसर क्या आएगा बी आएगा। देखिए देख लेते हैं इसके सोल्यूशन को। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन एक और भी है, इसमें एक्स का मान निकालना। तो ये दो क्वेश्चन है, इनके सोल्यूशन देखिए यहाँ दिखा देता हूँ मैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ये वाला, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो सबसे पहले क्या करना हमें, क्योंकि अनुपात दे रखा था तो ये एक एक्स ले लेते हैं, अनुपात दिया होता तो ए हो गया 13x, बी बराबर 12x, सी हो गया 5x, और एक परिमाप हमें दे रखा है यानी 450, और परिमाप इन सभी भुजाओं का जोड़ होता है। तो जो हमने जोड़ किया है यहाँ से, तो यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकल कर आ गई 15। कितनी आ गई एक्स की वैल्यू 15 आ गई, देखिए यहाँ पे यहाँ से, तो यहाँ से एक्स का मान आ गया 15। परिमाप कितना दे रखा 450, तो 2s बराबर 450, एस बराबर हो गया 25। अब हमने भुजाएं निकाली, पहली भुजा हो जाएगी ए इक्वल टू 13x, एक्स की जो वैल्यू 15 है वो यहाँ पर रख दी हमने, यानी ये आ गई 195। इसी तरह दूसरी भुजा निकाल ली और तीसरी भुजा निकाल ली, ठीक है। तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई। अब ये हीरो सूत्र होता है, हीरोन सूत्र, इसकी सहायता से हम जो है ये क्वेश्चन निकाल लेंगे। ये सूत्र होता है हीरोन सूत्र, इसमें वैल्यू रख दी हमने, एस की वैल्यू रख दी, ए बी सी की वैल्यू रख दी, सोल्व किया इसको, सोल्व होकर आ गया 6750 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया। तो राइट आंसर कौन सा हुआ इसका, बी आंसर हुआ राइट आंसर। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसके साथ एक और क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में एक्स का मान क्या आती है। देखिए ये जो श्रेणी बन रही है समांतर श्रेणी बन रही है, कौन सी श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी। अब इनका योग जो दे रखा हमें वो 148 दे रखा, तो इसे करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले इसमें पदों की संख्या निकालेंगे। ये फॉर्मूला होता है L = a + k (n-1)d। तो यहाँ पे L है x, a है 1, और d जो निकालते हैं वो 6 में से 1, यानी आगे वाले पद में से पहला वाला पद घटा देते हैं। तो यहाँ पे x, n की वैल्यू आ गई x + 4/5। अब ये योगफल का फॉर्मूला होता है n/2a + l, जब अंतिम पद दिया हो। तो यहाँ पे हमने जो है n की वैल्यू जो हमने अभी निकाली और a और l की वैल्यू रख दी, अब हमने इसको सोल्व किया। सोल्व करने के बाद एक तो आया -41 और एक आया 36। तो -41 तो इसमें दिया नहीं है, तो 36 इसका जो है राइट आंसर हो गया, यानी a इसका राइट आंसर हो गया, राइट आंसर इसका हो गया नहीं, इसका जो राइट ये हो गया राइट आंसर इसका a। और इस वाले क्या था, b इसका राइट आंसर था, इसका हो गया a 36। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसके सॉल्यूशंस को आप एक बार और देख सकते हैं आराम से। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शीत गृह की लंबाई यानी कि स्विमिंग पूल उसकी चौड़ाई की दुगनी है, लंबाई जो है वो क्या है, चौड़ाई की दुगनी है, उसकी ऊंचाई 3 मीटर है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है उसका वक्रपृष्ठ, इतने 108 मीटर स्क्वायर है। तो शीत गृह का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी कि स्विमिंग पूल का आयतन हमें निकालना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 216। ठीक, चलो देख लेते हैं कैसे आया 216। देखिए यहाँ पर यह है, अब क्वेश्चन क्या कर रखा कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई की कितनी दुगनी है। अगर चौड़ाई इसकी हमने x मान ली तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। तो ऊंचाई हमें दे रखी है 3। अब करना क्या हमें, ये हमें दे रखी है। अब इसके बाद देखिए शीत गृह का घनाभ का वक्रपृष्ठ, ये सूत्र होता है 2×L + b × h। l के स्थान पर 2x दे रखा, b बराबर है x और h बराबर है 3। तो यहाँ हमने रखा तो x की वैल्यू आ गई 16/6। अब इसकी लंबाई निकाली, लंबाई कितनी है 2x, यानी कि हो गई 12 मीटर, चौड़ाई हो गई 6 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। अब शीत गृह यानी घनाभ का आयतन, फॉर्मूला होता है LVH, ये हमने लगाया, वैल्यू रख दी 216 मीटर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया, यानी राइट आंसर से कौन सा हुआ ए, इसका राइट आंसर आ गया, कौन सा आंसर हुआ इसका, राइट आंसर आ गया ए। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20 31। 31 ये है, एक्स हमें दे रखा है ये निकालना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका वर्क करेंगे, वर्क करके इसका ही व्युत्क्रम करेंगे, फिर उनको प्लस कर देंगे, प्लस करके इसका हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा, देखते हैं कौन सा राइट आंसर है इसका, ये देखिए 34, यानी कि बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, कैसे है देखिए ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए आप। तो सबसे पहले क्या करा, एक्स बराबर हमने इसको मान लिया, ठीक। उसके बाद क्या करा, तो इसका वर्क किया, a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल दिया, सोलो का ये आ गया,
ये आ गया। अब इसका व्युत्क्रम कर लिया हमने, देखिए व्युत्क्रम किया इसका और इसका रेशनलाइज कर दिया, यानी परिमेयकरण या कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दी। तो करने के बाद देखिए ये आया 16 के अपनों को एक्सरसाइज की वैल्यू आ गई ये वाली। ठीक, अब दोनों को क्या करा, प्लस कर दिया। प्लस करने के बाद देखिए कट गया, आंसर आ गया बी। तो पूरे सॉल्यूशंस को आप एक बार और देख लीजिए अच्छे से। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 34, 35, 36। यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूँ, क्वेश्चन नंबर जो 35 है इसका आंसर इन चारों में से कोई सा भी मैच नहीं कर रहा है। इसका आंसर तो इसमें कोई सा भी आंसर नहीं है, जिसका मतलब इस क्वेश्चन के सभी बच्चों को समान अंक मिलेंगे। मैंने इस क्वेश्चन को किया है, आप लोग भी इसमें बताना मुझे कि अगर आपका आंसर मिल गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर जो है कोई सा भी मुझे नहीं मिला है, अगर आपका किसी का आंसर मिलता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं तर्क सही। तो मेरा जो है इन चारों में से किसी में से भी आंसर मैच नहीं कर रहा। तो इसका आंसर निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका है कि जो वैल्यू है वो इसमें रख के देख लीजिए दोनों में, जो दोनों को सेटिस्फाई कर देगा वो इसका आंसर हो जाएगा। मैंने सॉल्यूशन किया है, मेरा आंसर अलग आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले मैं ये क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। समान लंबाई के चाप दो वृत्तों के केंद्र पर 60 और 75 अंश का कोण बनाते हैं, तो उन वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात याद कीजिए। देखिए त्रिज्याओं का अनुपात निकालने के लिए बस हम इन कोणों को डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाता है, यानी 75/60 यानी 5:4, इसका डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। और पूरा डिटेल से करना है तो देखो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। साथ में तीसरा क्वेश्चन एक ये है, समीकरण इतने के मूल याद करो। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर देखिए मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। देखिए पूरी तरह से करना तो ऐसे करेंगे, शॉर्टकट में तो हम डायरेक्ट इसका आंसर निकाल ही देते हैं। कोण होता चाप बटे त्रिज्या, देखिए ये फॉर्मूला है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक, तो पहले वृत्त की त्रिज्या मान ली आर वन है, कोण 60 और चाप की लंबाई समान है वो मैंने मान ली एक्स। ऐसी जो दूसरा वाला वृत्त है उसकी त्रिज्या अलग होगी आर टू है, एंगल 75 अंश है, चाप समान है वो मान लिया हमने एक्स। ये फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो जो पहला वृत्त है उसके लिए हमने लगाया ये आ गया, दूसरे वृत्त के लिए भी आ गया। अब दूसरे को पहले से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करने के बाद देखिए ये आ गया अनुपात 5:4, यानी ए डी इसका राइट आंसर हो गया। देखिए 35 का भी मैंने सॉल्यूशन किया है और जो 35वां क्वेश्चन है इनमें से कोई सा भी इसका आंसर नहीं मिल रहा। अगर आपको मेरे कोई क्वेश्चन जो मैंने सॉल्व किया है इसमें अगर आपको कोई त्रुटि नज़र आए तो वो भी मुझे ज़रूर बताना। वैसे मैंने कई बार इसको चेक कर लिया, मुझे इसमें जो है मिस्टेक नज़र आई, फिर भी आप एक बार इसको देख लेना। क्वेश्चन नंबर 35 का जो राइट आंसर आ रहा है वो 0 और एन बराबर 1 आ रहा है, यानी आर बराबर कितना आ रहा है 0 और एन बराबर 1 आ रहा है। ठीक है, ये दोनों इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, तो ये वाला आंसर हमारा सही है, लेकिन इसमें कोई सा भी विकल्प नहीं दिया। आप लोग इसमें ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना इस क्वेश्चन के बारे में। तो इसका जो आप करना कैसे देखिए, पहले इसका एन पी आर का फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल कौन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ऐसी राइट हैंड साइड में लगा दिया, एन फैक्टोरियल से एन फैक्टोरियल कट गया और ये आ गया, और एक बार खोल दिया हमने इस वाले को तो ये समीकरण आ गई। इस तरह एन सी आर ऐसे रहा, एन सी आर प्लस वन में प्रॉपर्टी लगा दी हमने, एन सी एन माइनस आर माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है एन सी आर बराबर एन सी एन माइनस आर, ये वाला लगाया हमने। ठीक है, राइट हैंड साइड में। और एन पी आर का सीधा फॉर्मूला होता है, एन पी आर ऊपर वाले का फैक्टोरियल और इनके अंतर का फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इनमें तो फॉर्मूला लगा दिए, ये आगे समीकरण उसमें प्रॉपर्टी लगा दी हमने और नीचे पे कंपेयरिंग कर दी, दोनों समीकरणों को हमने सॉल्व किया। तो देखिए सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया विलोपन विधि से वो आया 0 और 1, कितना आंसर आया 0 और 1, इसके सॉल्यूशंस को आप देख लीजिए अच्छे से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 ये हो रहा है, इसका सी इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 36 का, -3i और 2/3i। करना कैसे है देखिए, मैं इसके सॉल्यूशंस को आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो 7 और 6 की मल्टीप्लाई कर ली, 7 और 6 की मल्टीप्लाई हो गया 43। तो अब हमें 7i के ऐसे टुकड़े करने हैं जिन्हें जोड़ के 6 42 आना चाहिए, 42 आना चाहिए। तो देखिए 9i और 3i की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 42 आएगा। आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है -1। ठीक है, तो इसका यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो हमने 7i को लिखा 9i -2i, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 18, अच्छा अच्छा 18 दूनी 18 आई स्क्वायर आ रहा, आई स्क्वायर का मान होता है -1। ठीक है, फिर हमने इसके फैक्टर कर लिए देखिए यहाँ इस तरह से, और यहाँ पर क्या करा हमने +6 है, +6 के स्थान पर लिख दिया -k 6i² और यहाँ से 2i कॉमन ले लिया, सॉल्व किया हमने तो x बराबर ये आ गया, दूसरा आंसर ये आ गया। तो राइट आंसर इसका हो गया सी। तो इसका जो सी आंसर है वो राइट आंसर है ये वाला, तो यहाँ पर कट गया है, आप देख लेना इसको, जो राइट आंसर है वो सी है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी आंसर इसका हो जाएगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। तो एक्स माइनस वन अपॉन थ्री प्लस आई और वाई माइनस वन अपॉन थ्री माइनस आई इज इक्वल टू आई है, तो एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करना हमें, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसको रियल और इमेजिनरी के रूप में कन्वर्ट कर लेना और इसका जो राइट आंसर सी आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसके सॉल्यूशंस को। देखिए ये इसका पूरा सॉल्यूशन है, यहाँ आप देख सकते हैं इसको। तो पहले क्या करा हमने इसका, देखिए पूरा इसका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। पहले हमने क्या करा, इसका एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद देखिए कट गया, ये आ गया। और आई स्टार का मान जो हमने माइनस वन रख दिया और त्रिशी गुणा की आई वाले आई के पास रख लिए, ठीक है। वास्तविक काल्पनिक अलग कर लिया और दोनों तरफ से तुलना कर दी, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जैसे ही तुलना करी तो यहाँ पर दो समीकरण बन गई, एक ये बन गई और एक ये बन गई। दोनों को सोल्व करा विलोपन विधि से, वाई की वैल्यू जो आ गई वो 4, 6 और एक्स की वैल्यू -4, यानी सी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस को आप एक बार पूरा देख सकते हैं, यहाँ पे ये पूरा सॉल्यूशन है इसका, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। कौन सा आंसर हो गया इसका, सी इसका राइट आंसर, -4 और 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 अंतिम क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में ए बी 6√3 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, बी सी 6 सेंटीमीटर, कोण बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें कोस रूल लगा देंगे, इसका जो राइट आंसर आएगा हम बता दें आपको, इसका राइट आंसर बी वाला आएगा, ठीक है। इस बालक ने आंसर गलत हो गया इसका, ठीक। आप देखिए इसका नेक्स्ट कोई इसका आंसर देख लीजिए, ये पूरा इसका सॉल्यूशन है, आप इसको देख लीजिए। तो हमें भुजाएं दे रखी थी बी सी 6 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर और ए बी 6√3 सेंटीमीटर, एंगल बी पूछा है। तो ए के सामने वाली भुजा ए हो जाती है और बी के सामने वाली भुजा बी हो गई, सी के सामने वाली भुजा सी। ये कोस रूल का फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। हमने ये वैल्यू रखी, वैल्यू रख के सॉल्व किया, 0 आ गया, 0 होती कोस 90 की वैल्यू। तो एंगल आंसर कितना आ गया, b = 90, यानी बी इसका राइट ऑप्शन आ गया। तो इसके और सॉल्यूशंस को आप वीडियो को पॉज करके भी दे सकते हैं, और चाहो तो मैं और थोड़ा इसको दिखा देता हूँ, आप इसको अच्छे से देख लेना। तो मैं समझता हूँ आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए आप SP मैथ चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।